नेचर्स मैसेज टू मैन काइंड का मैं आज क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ स्ट्रेलर इंग्लिश यूनिट 7। सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर। मिस्टर ओजोन स्ट्रेंथ वॉज गेटिंग डिप्लेटेड बिकॉज ऑफ केमिकल फॉर्म्स एंड स्मोक्स बींग इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल। सेकेंड नंबर, मिस्टर रेन सेड डैट शी सैड टर्न्ड एसिटिक बिकॉज ऑफ केमिकल्स कैरिड बाई मिस्टर ब्रिज डैट मिक्सड विथ रेन ड्रॉप। थर्ड नंबर, मिस्टर सन बिलीव दैट द ह्यूमंस हैड इन्फ्लेक्टेड एनवायरमेंट प्रॉब्लम ऑफ देमसेल्फ। बी नंबर, राइट ट्रू फॉर थ्री एफ फॉर फॉल्स। मिस्टर सन मिस्ड ऑल द फन एट द पार्टी एज ही वॉज अवे। ट्रू हो जाएगा। मिस्टर ट्री एक्सप्रेस्ड सेटिस्फेक्शन एट द वे हर फैमिली मेंबर्स वेयर बींग ट्रीटेड by humans false। Mr. River complained of the garbage that flowed into her water killing most of the fish। True हो जाएगा। Mr. Cloud said that he had to change his course because hills and mountains were being destroyed to build cities, towns and road। True हो जाएगा। In the end the elements of nature were of the opinion that man would take care of the environment without the interference। This answer हो जाएगा, true हो जाएगा। अब चलते हैं C number। Answer the following question briefly। Name the various element of nature depicted in the play। यानी कि इस play का क्या है, main character कौन है, तो इसका answer हो जाएगा ये वाला, यानी ये वाला। Mr. Cloud, Miss Trees, Miss Earth, Mr. Peach, Miss Lightning, Miss River, Mr. Sea, Mr. Sun, Miss Ozone और ये narrator हो जाएगा। अब चलते हैं E का 2 number, अले C का 2 number। How did Mr. Lightning contribute in building the party atmosphere? तो इसका answer यहाँ पर हो जाएगा, ये रहा, ये हो जाएगा। I blazed across the sky and you all blinked in its brightness। C का ये वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। अब चलते हैं C का 3। Give one reason for the fishes drying in rivers। Due to garbage disposing in water, the fishes drying in rivers। अब चलते हैं C का 4। What was मिस्टर अर्थ रिग्रेट, यानी कि ये पृथ्वी को किस बात का खेत था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी का 4, ये वाला हो जाएगा। यानी कि द पोल्यूशन इन डिफरेंट फॉर्म्स इज अफेक्टिंग इच ऑन ऑफ अर्स एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट इट इज मैन मैड। यानी कि सी का आंसर पोल्यूशन से लेकर मैन मैड तक हो जाएगा, सी का 4 हो गया। अब चलते हैं सी का 5, यानी कि वाई डिड मिस्टर क्लाउड चेंज हिज कोर्स, यानी कि जो मिस्टर क्लाउड है ना वो अपना रास्ता इसलिए बदल लिए, तो सी का 5 का नंबर का यहाँ हो जाएगा। मिनी हिल्स एंड माउंटेन्स आर ऑल्सो बींग डिस्ट्रॉयड टू बिल्ड सिटीज टाउन्स एंड रोड्स। सो जो मिस्टर क्लाउड चेंज हिज कोर्स। चलते हैं अब डी नंबर, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इसको पढ़ना है, जो आता है उसका जवाब देना है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम सीज डेट सिंक और गेट डैमेज क्रिएट होबिक। इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू हियर ऑल दिस। द ग्रीन हाउस गैसेज हैव कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर हो जाएगा हु सेड दीज लाइन्स, द मिस्टर सी। एक्सप्लेन द टर्म्स ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, हाउ आर दे अफेक्टिंग एनवायरमेंट। तो इसका डी का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, यहाँ से। द ग्रीन हाउस गैसेज हैव कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग, एज ए रिजल्ट द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्ट एंड माई लेवल इज राइजिंग क्विकली। यानी कि डी का बी यहाँ तक हो जाएगा, राइजिंग क्विकली एंड मेनी एरियाज एंड आइसलैंड वे आर गेट समर्स्ड इन द सी इन द ईयर्स टू कम। यानी कि डी हो गया। आप चलते हैं डी का 2। इट इज सेड दैट वी हैड टू रिसॉर्ट ऑल दिस। हु सेड दिस वर्ड, द मिस्टर रिवर एंड मिस रिवर एंड मिस ट्री। वाट डज ऑल दिस रेफर टू द
referred to in the above line, the resort of human distraction of true nature. Dukasi, why were the elements of nature forced to take such a step? They give a lesson to human civilization. The element of nature forced to take such a step to give a lesson to human civilization. यानी कि डी का दो हो गया, अब चलते हैं ई नंबर। हाउ डिड द एलिमेंट ऑफ नेचर पार्ट, यानी कि इसका वही हो जाएगा मिस्टर क्लाउड मिस्टर सी, ये सब हो जाएगा, ये हो जाएगा मिस्टर क्लाउड मिस ट्रीज मिस अर्थ मिस्टर ब्रिज मिस लाइटनिंग मिस रिवर मिस सी, ये जो सन है ना वो पार्टी वाला नहीं हो जाएगा, मिस ओजोन और ये नरेटर हो जाएगा। अब चलते हैं ई का टू। इका टू में कह रहा है वाई वॉज मिस्टर ब्रिज फ्लस्ट, यानी कि मिस्टर ब्रिज है ना वो किस बात के लिए वो फ्लस हो गए, डिस्टर्बिंग ऑफ क्या हो जाएगा, डिसअपीयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इस कारण से जो मिस्टर ब्रिज है ना वो फ्लस हो जाएगा। व्हाट वॉज मिस्ट्रीज लेमेंट, यानी कि जो पेड़ है ना वो किस बात का वो विलाप कर रही थी, इका थ्री यहाँ से हो जाएगा। हाँ, मोस्ट ऑफ आवर फैमिली मेम्बर आर बींग स्लॉटर्ड बिकॉज ह्यूमन नीड्स मोर स्पेस टू ग्रो क्रॉप्स टू मेक बिल्डिंग एंड डैम्स, यानी कि इस बात का वो मिस्ट्री विलाप कर रही थी। अकॉर्डिंग टू मिस्टर ओजोन व्हाट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लेटिंग ऑफ हिज स्ट्रेंथ, यानी कि उसका स्ट्रेंथ घटने के लिए कौन जिम्मेवार था, तो ई का फोर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ई का ये फाइव हो गया, हाँ ई का फोर ये। द केमिकल फॉर्म्स एंड स्मोक्स बीइंग इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स हैव डिप्लेटेड माय स्ट्रेंथ, इसका आंसर हो जाएगा। इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर माय एक्सिस्टेंस विल बी हिस्ट्री, ई का फोर हो गया। अब चलते हैं ई का फाइव। स्टेट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय मिस्टर सी, यानी कि मिस्टर सी किस प्रॉब्लम का वो सामना कर रहे थे, ई का फाइव, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ई का सिक्स ये हो गया, ई का सेवन ये हो गया, सिक्स सेवन एक ही में है और ई का फाइव यहाँ से हो जाएगा। द टन्स ऑफ गार्बेज डेट फ्लो इन टू मी एवरी डे इज किलिंग मी, सी क्रिएचर्स टेल मी डैट इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग, यानी कि ई का फाइव दो से लेकर यहाँ टू लॉन्ग तक हो जाएगा। आप चलते हैं ई का सिक्स यहाँ तक। डू यू थिंक दैट द वेरियस एलिमेंट ऑफ नेचर एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस टुवर्ड द एंड ऑफ द प्ले, डिड ऑल होल्ड द सेम ओपिनियन, इसका आंसर हो जाएगा नो दे आर सैड। आप चलते हैं ई का सेवन। How did nature attempt to explain its state of mind to educate mankind at the end of the play? E ka 7, chaliye E ka 6, E ka 6 ho jayega. It is said that all element of nature to result to all this. Yani ki E ka 6 yahan se lekar yahan tak ho jayega aur E ka 7. हाँ ई का सेवन यहाँ हो जाएगा। द साउंड ऑफ थंडर लाइटनिंग एंड हैवी रेनफॉल, ई का सेवन यहाँ से हो जाएगा, ई का सेवन हो जाएगा। इन द फॉलोइंग वीक देयर वेयर हैवी रेन्स फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड वार्न्ड द पीपल इन मेनी पार्ट्स टू मूव टू सेफर एरियाज, यानी कि ई का सेवन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर। अब चलते हैं ग्रामर सेक्शन की ओर। यहाँ वॉइस मतलब तो होता है कथन, वॉइस दो प्रकार का, एक्टिव हो जाएगा पैसिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा ये जो मेन वाला हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा इसमें वी थ्री वाला हो जाएगा पैसिव वॉइस में। यही रहा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।